नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्त्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। दिल्ली में हर तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सरोजनी नगर मार्केट में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सोमनाथ भारती पहुंचे तो यहां के मार्केट के लोगों ने उन पर फूलों की बारिश करना शुरू कर दी। फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जाहिर है मार्केट के सभी दुकानदार सभी प्रत्याशियों का स्वागत करेंगे, लेकिन इस स्वागत के दौरान सोमनाथ भारती ने एक बड़ी बात कही कि उन्होंने यहां के लोगों के सामने उनकी समस्याओं को लेकर वादा किया है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो महीने में एक बार जरूर सरोजनी नगर मार्केट में आएंगे और यहां के लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध दोहा सुनाया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जाहिर है चुनाव के दौरान सभी नेता वोटरों के लिए लुभावने वादे और दावे करते रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पता लगेगा कि दिल्ली की जनता किसकी तरफ अपना मन बना रही है और किस पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर संसद में ला रही है। बहरहाल मार्केट के लोगों ने बताया कि इस मार्केट में काफी ज्यादा समस्याएं हैं और जो भी जीत कर आए हम चाहेंगे कि इस मार्केट के लिए अच्छा करे। देखिए हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। गोपाल जी, कल से आज तक सुबह आ रहे हैं, रोटी आ रहे हैं सर। आज जिस तरह से अरे वो लड्डू का पैकेट रखा है, असली एक धारा पे भाई साहब, हम तो दास हैं। हाँ जी, लड्डू खिलाते हुए। हाँ, अब अभी बैठ के बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, दो भी हो जाएगा। भारती जी, आज इस मार्केट में आए हैं, गर्मजोशी से आपका स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि जनता ही हमारी ताकत है और आज मार्केट के साथियों ने, रंधावा साहब ने, सुरजीत जी ने, कार्तिक जी ने, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, बाबू मार्केट, इन तीनों मार्केट के साथियों ने आज मुझे आमंत्रण दिया था कि आप आज आएँ और इतना भारी, इतने गर्म जोशी के साथ इन्होंने स्वागत किया है। इनकी, इनके प्यार से, इनके मोहब्बत से मैं आज लबालब भर गया हूँ और जितनी मोहब्बत ये करते हैं उसी प्रकार से क्षेत्र के समस्याओं का समाधान करने की ताकत हम रखते हैं। आज इन्होंने कई सारे तरीके से हमें बताने का प्रयत्न किया किस प्रकार से मोहब्बत करते हैं ये, और आम आदमी पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने जो मुझे दायित्व दिया है क्षेत्र के सांसद के चुनाव के लिए, तो मैं, मेरा प्रयास रहेगा, चूँकि क्षेत्र के विधायक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, क्षेत्र का सांसद का दायित्व अगर मुझे यहाँ से मिलता है तो जो मार्केट की ज़रूरतें हैं, जो मार्केट की मुसीबतें हैं, उसका समाधान लाने बहुत आसान हो जाएगा। और इनकी मांगें कुछ खास बड़ी नहीं हैं, इन सबका एक बात कहना है कि सांसद तब पूरा करें ना काम जब मिले पहले, तो उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मार्केट के साथियों को अपनी बात, चूँकि बगल में मालवीय नगर है और इस मार्केट के कई सारे व्यापारी साथी मालवीय नगर से आते हैं, उन सब ने मुझे 10 साल से वहाँ काम करते देखा है, किस प्रकार से ज़मीनी जुड़ाव है मेरा, किस प्रकार से हर व्यक्ति के साथ मैं 24 घंटे लगा रहता हूँ, 24/7 की उपलब्धता है मेरी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समस्या का समाधान तो बाद के, सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है उपलब्धता, सेकंड स्टेप है अकाउंटेबिलिटी, है ना, जिम्मेदार, जवाबदेह और उपलब्ध, जो तीन मेरा टैगलाइन चलता है। तो लोग बहुत खुश हैं कि इस बार इनको एक ज़मीनी व्यक्ति मिला है अपने सांसद के चुनाव के उम्मीदवारी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से लोगों ने प्यार दिखाया है, प्यार दर्शाया है, इनकी बहुत बड़ी प्यास है कि ऐसा सांसद कोई मिले जो हमें, हमारे पकड़ में हो, जब जिसको हम चाहें बुला लें, जब जिसको चाहें उससे हम अपनी समस्या का समाधान करा लें, जो संसद में दिल्ली के समस्याओं को उठा सके। जो पिछली भाजपा के सांसद रहे उन्होंने एक भी बार, सातों के सातों सांसदों ने कभी भी दिल्ली की समस्याओं को वहाँ नहीं उठाया। और एक बात और, किसी व्यक्ति ने मुझे कहा पीछे जब मार्केट में आ रहा था कि सोमनाथ जी आपने वकालत में भी आपको ये विरासत में नहीं मिली है ना, आपको राजनीति विरासत में मिली है। बड़ा मुझे कभी किसी ने कहा कि सोमनाथ